Greetings, Hare Krishna. Blanche topic है, आज शाम को कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है? Okay, ये हमारा टॉपिक और आज हम करने वाले हैं कैंडल वैक्स रीडिंग। तो हम इसको एज अ लव रीडिंग भी देख सकते हैं एंड अगर आपको एज अ प्रेडिक्शन भी देखना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है? बाकी लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेट्स कनेक्ट टू इट। चलो हम करते हैं कैंडल वैक्स, शुरुआत करते हैं सबसे पहले लिट अप करने से, ठीक है? तो आज हम करने वाले हैं येलो कैंडल से रीडिंग, ठीक है? ये भी गो, ये आ गई येलो कैंडल आपके सामने लिट है। अगर आपको जिनको भी प्रे करना है, प्रार्थना करनी है या फिर मन में अगर आपको मैनिफेस्टेशन करना है तो डायरेक्टली आप शुरुआत कर सकते हो, ठीक है? लेट्स कनेक्ट टू इट। सो देखते हैं हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग हमें मिल जाती है। लेट्स सी नाउ, ठीक है? चलो ओके। सो कहीं ना कहीं आई थिंक ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा सेपरेशन की मूड में है या फिर सेपरेशन की फीलिंग्स में है, या तो अभी आपसे थोड़ा सा जुदा है या फिर वो जो एनर्जी है उसे तकलीफ दे रही है, ठीक है? शायद वो किसी चीज़ का क्लैरिफिकेशन आपको देना चाहता है और आप शायद वो क्लैरिफिकेशन नहीं पाना चाहते मे बी, या तो इसको या फिर आपको फ्रेंड्स जो हैं वो कंफर्ट दे रहे हैं, कह रहे हैं आप इससे बातें कर रहे हैं, इनके बारे में आपसे बातें कर रहे हैं या फिर आपके बारे में इनके फ्रेंड इनसे बातें कर रहे हैं, ठीक है? मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेपरेशन की एनर्जी यहाँ पे हमें महसूस हो रही है। यहाँ पे अगर हम किसी एक्स को भी अगर कनेक्ट कर सकते हैं तो कोई गलत बात नहीं होगी, ठीक है? बेसिकली यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि क्या आपको लग रहा है उन्होंने जो भी डिसीजन लिया था वो सही था, या फिर आप उसके ऊपर ही क्वेश्चन उठा रहे हो, चाहे वो सेपरेशन का हो, फैमिली को सपोर्ट करने का हो, या फिर सडनली अगर इस पर्सन ने आपके रिश्ते को अचानक से यहाँ पे रोक दिया था कि नहीं मुझे आगे नहीं बढ़ाना है रिश्ता, या फिर अगर कोई जवाब ही नहीं दिया आपको कि क्या करना है नेक्स्ट, तो मे बी इसके बारे में शायद आप सवाल पूछ रहे हो, ठीक है? दूसरी जो एक एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि बहुत सारे स्कैटर्ड मोमेंट्स हैं, मतलब आप दोनों ने शायद जितने भी इमोशंस अभी इस रिश्ते में बिताए हैं वो सारे ऐसे मतलब अलग अलग हो गए हैं। आपको भी कुछ ऐसे मोमेंट्स याद आ रहे हैं जैसे कि मे बी अगस्त के कुछ मोमेंट्स, जून जुलाई के कुछ मोमेंट्स, जनवरी के कुछ मोमेंट्स कि मे बी आप करीब आ गए थे या फिर अपनी बातें की थी, अपनी इमोशन वो शेयर किया था, तो ऐसे कई सारे मोमेंट हैं जो इनको भी याद आ रहे हैं और इनको एक तड़प महसूस हो रही है, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे एक्सपेक्ट हो रही है। कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी ये पर्सन थोड़ा सा वर्ड है, फाइनेंशियली शायद इशूज़ आ रहे हैं उसके ज़िंदगी में, उनके बारे में भी अचानक से ये कंसर्न होता है, वो एक चीज़ आती है। मेरे हिसाब से आप दोनों का जो रिश्ता था वो या रिश्ता है बहुत ही सही एक प्रकार से हो सकता है, बिकॉज फाइनेंशियली भी शायद आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी कर सकते हो, ठीक है? वो एक चीज़ है। सेकंड, मेरे हिसाब से जैसे कि आपकी ये लाइन में दिख रहे हैं पांच जो यहाँ पे ड्रॉप्स पड़े हैं, तो मेरे हिसाब से ये पर्सन चाहता है कि दोबारा से सही शुरुआत हो जाए। अगर आपकी अभी भी शुरुआत सही है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये पर्सन जो है वो वही प्रे करेगा कि ये अब जो शुरुआत है वो एंड ना हो जाए, यही कंटिन्यू हो जाए, आपका रिश्ता जो है वो वैसे ही चला जाए और इसमें कोई भी नेगेटिविटी ना आ जाए। दूसरी अगर हम बात करें तो इनके हिसाब से जो एक आपको मैसेज आ रहा है कि किसी के भी ऊपर ट्रस्ट ना करें, स्पेसिफिकली अगर कोई इनके बारे में कुछ कह रहा है तो, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। थर्ड पार्टी तो हमें यहाँ पे अब तक नहीं दिखी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है? मेरे हिसाब से ये आपसे बहुत कुछ बातें क्लियर करना चाहते हैं और यहाँ पे क्लियरेंस क्या आ रहा है, जैसे कि आपको पता है कि ये एग्जैक्टली अपने रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है? अगर हम थोड़ा सा और ज़्यादा क्लेरिफिकेशन दें तो मान लो कि आपकी अपनी प्राइवेट स्पेस है, आप उसमें हक्स एंड किसेस कर रहे हो या फिर क्या ही कर रहे हो, या आप दोनों का निजी फैसला है ना? आपको पता कि आपको एक पर्सन कितना अच्छा लगता है कितना ही, उसके ऊपर ही आप वो डिसीजन लेने वाले हो, वही बात हमें यहाँ पे दिख रही है। ये पर्सन वही कह रहा है कि अगर हम दोनों ने कोई डिसीजन लिया है तो डेफिनेटली वो सोच समझ के लिया है, किसी तीसरे पर्सन को इसके बीच पड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? वो चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही है। नेक्स्ट एक आई थिंक चलो हमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। ओके, मेरी कैट आ गई यहाँ पे। चलो
देखो यहाँ पे जो ड्रॉप्स आ रहे हैं ना, फिर उसको ब्लैक ब्लैक थोड़ा सा दिख रहा होगा, तो कहीं ना कहीं मेरे सबसे नेगेटिव भी एनर्जी है आपके ज़िंदगी में, या फिर नेगेटिव एंट्री है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जो दूसरी बात आती है कि अगर कोई नकारात्मकता फैला रहा है आप दोनों के बीच में, दोनों के बारे में, कि ये गलत है, या फिर इन्होंने ये किया है, वो किया है, ये बार बार ऐसे कर, तो इनकी तरफ ध्यान ना दे, ऐसा इनका आपको कहना है। दूसरी अगर हम बात करें तो अगर आपको लग रहा है कि अभी क्यों मेरे ज़िंदगी में नेगेटिविटी आ रही है, तो शायद कुछ नेगेटिव तंत्र हो, नेगेटिव मंत्र हो, वो शायद कहीं ना कहीं हो चुका है, ठीक है, तो आपको उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी अगर हम देखें यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या अंडरस्टैंडिंग हमें आती है, तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो आपसे यही कहना चाहता है कि थोड़ा सा आप जो है वो रिलैक्स रहिए, आपको रिलैक्स रहने की ज़रूरत है, ना कि फिक्र करने की, ठीक है। अगर आप फिक्र कर रहे हो तो बहुत सारे इश्यूज़ आपको आएंगे, तो किसी भी ऐरे गहरे पे ऊपर आप विश्वास ना करो, ये उनका पहला आपको मैसेज है। दूसरा जो मैसेज है कि मे बी अगर आई थिंक आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि इन्होंने अपना डिसीजन खुद ले लिया, तो वो भी कह रहे हैं कि आप भी अपना डिसीजन लो, फिर चाहे वो डिसीजन इनसे कनेक्ट होने का हो या फिर जो कुछ भी हो, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। बाकी अगर हम कुछ अंडरस्टैंडिंग इनके बारे में देखें कि एग्जैक्टली फिर क्या सोचते हैं या फिर इनके मन में और हमें क्या चल रहा है, तो वो हमें यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा, ठीक है। सो ये एक हमें सेशन दिखा, और अब हम कनेक्ट करेंगे डायरेक्टली टैरो से, ठीक है, देखते हैं टैरो से हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन के लिए। ओके, सो लेट्स सी, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, एंड हम यहाँ पे करते हैं कार्ड्स का चुनाव। चलो देखते हैं हमें क्या एनर्जी मिलती है, एंड हियर वी गो, ठीक है, कुछ कार्ड चुनते हैं हम। ये कार्ड आ गया, एंड अगर इस कार्ड को हम देखते हैं तो जो एनर्जी हमें महसूस होती है यहाँ पे वो क्या है, तो ये है फोर ऑफ कप्स। अगर आप ध्यान से देखोगे आपको शायद ये दिखाई देगा, ये है फोर ऑफ कप्स, एंड जो फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, ये वही एनर्जी की कहीं ना कहीं कोई पर्सन जो है वो शायद बीच में घुसने की कोशिश कर रहा है, यानी कि यहाँ पे कोई अपना ओपिनियन रख रहा है। मे बी आपका रिश्ता शायद बेहतर हो सकता है, फिर ऑलरेडी बेहतर है, पर शायद कोई आपको सजेशन दे रहा है आप ये करो वो करो, और इसी कारण से शायद थोड़े से इश्यूज इस पर्सन के मन में आ रहे हैं। इनका कहना है कि आप क्यों किसी की बात को सुनते हो, ठीक है, वो एक बात है यहाँ पे। अगर हम दूसरी बात करते हैं, देखते हैं यहाँ पे हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है, ये कार्ड मिले तो चलो हम ये दो कार्ड देखेंगे, ठीक है। देखो भाई, ये जो कार्ड आ गया वो है स्ट्रेंथ, ये आपको बता रहा है कि ये स्ट्रेंथ के ऊपर बिलीव करें, क्योंकि इनका कहना है कि बिलीव करो स्ट्रेंथ के ऊपर, लियो का साइन आता है ये। इनका कहना है कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड स्टार्ट बिलीविंग, ठीक है, मतलब आपको बिलीव करने की ज़रूरत है, एंड बिल्कुल भी किसी भी चीज़ के बारे में मन में नेगेटिव मत सोचो, आप ये समय भी निकाल दोगे। तीसरा अलग जो कार्ड आता है वो है ट्यू ऑफ सॉर्ड्स का, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस का, ठीक है, यहाँ पर इनके हिसाब से आप फोकस कीजिए, जैसे कि आपको ये पर्सन दिख रहा है जिसने आँखों के ऊपर पट्टी बांधी है, ये हो रहा है, आप ब्लाइंडली चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हो, ब्लाइंडली क्यों चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, जब आप इनकी तरफ ध्यान दे सकते हो, जब आप इनको बात कर सकते हो, इनको सवाल पूछ सकते हो, और इन्होंने आपको इतनी अथॉरिटी दी है कि आप जब चाहे मुझे कॉल करो, तो आप क्यों नहीं इनसे ही डायरेक्टली सवाल पूछते, यही इनका आपको मैसेज है। ये था आज का रीडिंग, आई होप इट वाज राइट।